नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश की सियासत धीरे धीरे अब लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रही है और ऐसे में झारखंड में जिस तरीके की सियासत चल रही है उस सियासत के बीच में एक बार फिर से बीजेपी मजबूत पकड़ के साथ झारखंड की सियासत में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है। साल 2024 देश में लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में चुनाव को लेकर के हर राज्यों में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जो सर्वे करती हैं, जो रिपोर्ट जारी करती हैं, उनके तरफ से भी लगातार तैयारियों का जो दौर है वो दिख रहा है और उनके द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। और ऐसे में अब क्या देश के माहौल कैसे हैं, रुझान कैसे हैं और देश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो बात हम झारखंड की रोज करते हैं और ऐसे में झारखंड की बात में हम बात करेंगे कि आखिर में झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की स्थिति कैसी होगी। अन्य जो दल हैं, खास करके महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, जेएमएम और बाकी अन्य जो दल हैं, उनकी किस तरीके की स्थिति है, इस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपने देख लिया होगा कि बीजेपी का डंका इस बार भी बजता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सर्वे रिपोर्ट जो कंपनियां दे रही हैं, सर्वे रिपोर्ट देने वाली कंपनियों का ये दावा है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव जो होगा वो एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में बेहतर साबित होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है 2019 के चुनाव में जहां एक तरफ देश में मोदी की हुंकार थी और मोदी के बल पर कई ऐसे दल कि जो नेता रहे, जो गठबंधन दल हैं उसके नेता जो रहे जिनकी जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो भी चुनाव जीत चुके। इस बार भी वही स्थिति दिख रही है। बात झारखंड की स्थिति में करें तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में थी, तब तक ये उम्मीद किया जा रहा था कि झारखंड में इस बार महागठबंधन का बोलबाला होगा। 2019 के जो समीकरण थे, बीजेपी की जो तैयारी थी, वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा, क्योंकि 14 में 11 सीट जीतना इतना आसान नहीं है। और ऐसे में बीजेपी ने उस वक्त जीत लिया था, उस वक्त मोदी की लहर थी, 14 के बाद 19 में भी मोदी की लहर ही मानी जाती है बीजेपी के बहुमत के संख्या को पार करने के आंकड़े को। लेकिन दूसरी तरफ इस बार जहां एक तरफ कांग्रेस और खासकर महागठबंधन जो खुद अब एकत्रित होकर के एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, तैयारी लगातार उसकी चल रही है, हालांकि धीरे धीरे उस मुद्दे खासकर राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जो देश में माहौल बना है उसी का नतीजा है कि सदन में बैठने के बाद देश के प्रधानमंत्री वर्तमान के कार्य, तो उनका कहना है कि अगली सरकार जो है वो ज्यादा दिन दूर नहीं है, तीसरे कार्यकाल यानी कि 3.0 को भी बीजेपी पूरा करने वाली है। तो ऐसे में क्या सच में देश के माहौल कुछ ऐसे ही हैं? क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ती हुई बीजेपी देश में एक बार फिर से मजबूत दल के तौर पर आएगी सामने? क्या सरकार बनाने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होगी बीजेपी को? ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश में जो सरकार बनेगी, नहीं कहा था, और एक बात आप लोग बखूबी जानते हैं कि जो मोदी कहता है वो करता है कि नारे को भी बहुत लोग मानते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि जैसी बातें अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, लगभग उसको पूरे करते हुए वो नजर आए हैं। तो इस बार उन्होंने कह दिया है सदन में कि, माफ कीजिएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम आज थोड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है, तो 400 की पार की जो बातें कही जा रही है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और खबर आपको बताते हैं। मुद्दा यही है कि देश में सर्वे कराए गए हैं और ऐसे में कई ऐसे सर्वे करने वाली जो कंपनियां हैं, आपको बता दूं कि सर्वे में सामने आया है इंडिया टुडे और इसके अलावा सी वोटर द्वारा एक सर्वे कराया गया है। इस सर्वे में ये बातें सामने आई है कि झारखंड में इस बार बीजेपी फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में